मैं स्नेहा और आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। आज हम बात करेंगे भारतीय आदिवासी पार्टी की उस नई घोषणा की जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चुनाव आयोग की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में भारतीय आदिवासी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जिसमें चुनाव आयोग की आलोचना की गई है। पार्टी ने कहा जो चुनाव आयोग दो राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाया वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कैसे करवा पाएगा। यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों की ओर इशारा करती है। इस ट्वीट में पार्टी ने यह भी बताया है कि आजाद भारत में पहला चुनाव यानी 1952 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस प्रक्रिया की व्यवहारिकता पर सवाल उठाए हैं, विशेषकर जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा के चुनाव के साथ नहीं कराने की असमर्थता जताई। पार्टी ने सुझाव दिया कि अगर चुनाव आयोग वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन की क्षमता रखता है तो एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं को भंग करके इन सभी का चुनाव एक साथ कराने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में देरी और मुफ्त अनाज योजनाओं को लेकर सरकार की नीतियों पर भी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। क्या ये सभी कदम वास्तव में जनता के कल्याण के लिए है या सिर्फ चुनावी लाभ के लिए है? इस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भले ही आकर्षण लगे लेकिन इसके पीछे की व्यवहारिकता और चुनाव आयोग की क्षमताओं पर गंभीर सवाल है। क्या ये प्रक्रिया जनता के हित में है या सिर्फ चुनावी लाभ के लिए है? इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।